बाजपुर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों की हत्या कर भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है और भाजपा द्वारा किसानों को मजबूर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी हत्याओं को होते हुए नहीं देख सकती, जिसे देखते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संघर्ष का बिगुल फूंका है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि देश में पूर्ण बहुमत से चुनी गई सरकार जो लोगों को अच्छे दिन लाने की बात करती है, उसके नेता उनके रिश्तेदार किसानों को अपनी गाड़ियों से कुचल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने लखीमपुर खीरी जाने की योजना बनाई है और वे वहां जाकर अपने किसान भाइयों के आंसू पोंछने का काम करेंगे। बाजपुर से संवाददाता मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की जा रही, किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो मरे, और जब किसान दब नहीं रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है और कुचलने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्रियों के पुत्र गाड़ियों से कुचलने का काम कर रहे हैं किसान, संघर्षरत आवाज़ उठाने वाले किसान, कहीं पुलिस का सहारा ले रहे हैं, कहीं अपने तथाकथित बलशाली लोगों का सहारा ले रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, नागरिक अधिकारों की हत्या है, किसानों की हत्या है, खेती की हत्या है, और कांग्रेस ऐसी हत्या को होते नहीं देख सकती। हम संघर्ष करेंगे, हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने संघर्ष का बिगुल फूंका, देश भर में कांग्रेस जन आवाज़ उठा रहे हैं, आज उसी आवाज़ में अपनी आवाज़ को समृद्ध करने के लिए हम सब उत्तराखंड के कांग्रेस जन भी बाजपुर से पहले सीतापुर तक था, क्योंकि अब सीतापुर से प्रियंका जी को जनता की मांग के दबाव में आ करके उन्होंने रिहा कर दिया है, तो अब हम लखीमपुर खीरी तक अपनी एकजुटता जाहिर कर रहे हैं। सर जी, सर लोकतांत्रिक अधिकार में हत्या है। प्रियंका जी कहती रही मुझे किस कानून के अंदर गिरफ्तार कर रखा है, मुझे बताओ, नहीं तो जेल ले चलो, कोई बताने को तैयार नहीं। और जब दबाव पड़ा सारे देश भर में आवाज़ उठने लग गई तो हाथ खड़े हुए, इसीलिए तो हमने बाजपुर से कहा सीतापुर तक रखा था, अब हमी को अपना आंदोलन जरा सा संशोधित करना पड़ा। दबाव में कांग्रेस ने जम दबाव पैदा किया, सारा विपक्ष एकजुट हुआ, आज उसका परिणाम है कि सरकार झुकी है। लेकिन ये सवाल केवल झुकने का, थोड़े समय के लिए पीछे हटने का नहीं है, ये सवाल है लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का। इसलिए हमारा मानना है जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, जब तक किसानों के हथियारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक इस बात के प्रकरण को उकसाने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता, कांग्रेस लड़ती रहेगी, आवाज उठाती रहेगी। संबंधी इसलिए कोर्ट, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं जो संविधान के अंतर्गत विपक्ष का कर्तव्य है, विरोधी दल का सब, और माननीय उच्चतम न्यायालय अपना कर्तव्य कर रहा है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन हम भी करेंगे। धन्यवाद। देखिए, भावना के संपर्क में सारी दुनिया होती है, हमारी दिली भावना है कि देश में इतने बड़े बहुमत से चुनी हुई सरकार, इस आशा और विश्वास के साथ चुनी हुई सरकार कि जो हमारे अच्छे दिन लाएंगे, उनके नेता अपनी गाड़ियों के टायरों से लोगों को रौंद कर आगे बढ़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, किसानों की, गरीब लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, और इनके इस कृत्य को इस देश माफ नहीं करेगा। और आज कांग्रेस जन लखीमपुर खीरी तक का हम लोग यहाँ पर कुछ आयोजन हमने किया है, हम वहां तक जाएंगे और हम चाहते हैं कि हमारे भाइयों के हम आंसू पहुंच सके।